वही अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां रियल स्टेट कारोबारी संजय शर्मा और दिलीप शर्मा को ग्वालियर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दोनों नेताओं की सुरक्षा वापस लेने के आदेश दिए हैं, साथ ही 2,55,00,000 रुपए की वसूली के आदेश भी दिए हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अपना रिप्लाई पेश किया गया और कोर्ट को बताया गया कि संजय और दिलीप शर्मा दोनों ही अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। इनके पास रिवॉल्वर राइफल सहित 3 बंदूकें हैं, लेकिन वह अपने कारोबार के चलते होने वाले प्रॉपर्टी के विवादों को लेकर पुलिस सुरक्षा के लिए हुए हैं। जो वास्तविक समस्या थी उसमें सभी आरोपियों को सजा हो चुकी है, इस हिसाब से उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से ये VIP कल्चर है गनमैनों को रखने का, गनमैनों के साथ में ले जाके अपना रौब और अपना रुतबा बताने का, जो अपात्र लोग हैं, जिन जो पात्र नहीं है उनको उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख के चलते गनमैन प्राप्त कर रखे हैं। जैसे ग्वालियर में इनके अलावा और कई लोग ऐसे हैं जो कोई प्रॉपर्टी का व्यवसाय कर रहा है, कोई अपना जमीनों का काम कर रहा है, कोई नेतागिरी कर रहा है, राजनीतिक दल में किसी पद पर है, शासकीय पद पर नहीं है, प्राइवेट जैसे अध्यक्ष है जिले के किसी भी पार्टी के। इन लोगों को जो गनमैन दिए रखी है अवैधानिक है, क्योंकि इस प्रकार से जो प्रताड़ना और शासन का जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ये गलत है। जो गनमैन उन व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो पात्र लोग हैं, जिनके परिवार को खतरा हो, वास्तव में उनको आवश्यकता हो, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये शासन के पैसे का दुरुपयोग है और इस पर रोक लगने वाली उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, और इस प्रकार से जो गनमैन दिए जा रहे हैं वह गलत है।